नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गस सुपरफास्ट सहित मुस्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान। आज जातीय मानवाधिकार आयोग 28वां प्रतिष्ठा दिवस रे जोगदेवे प्रधानमंत्री मोदी पूर्वाह्न 11टा रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे स्वतंत्र कार्यक्रम को संबोधित करिवे पीएम मोदी। एक कार्यक्रम रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह समेत जातीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र जोगदेवे सूचना मिली। मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम अनुजाई अक्टोबर 12, 1993 एनएचआरसी प्रतिष्ठा करा जायतिला, जहाँ आज 28 वर्ष पूर्ण कर। अफगान स्थिति को नहीं आज बस G20 शिखर सम्मिलनी कार्यक्रम में वीसी जोगे सामिल हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल जरिया प्रधानमंत्री मोदी अंशग्रहण नहीं वैदेशिक मंत्रालय पक्ष सूचना दी जाएगी। तालिबान दखल पर युद्ध द्वारा प्रभावित अफगानिस्तान सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं एही बैठक में आलोचना हेबो बोली सूचना मिली। उत्तर आंडामान सागर में सृष्ट घूर्णी बलय धीरे धीरे घनीभूत होबारे लागिछि। आसंता काली को यह लघुचाप रूप नेबो बोली जनापड़ी, जहां पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग को गति करने सहित 15 तारीख को गभीर अवपात रूप नेबो। विशेषकर उत्तर आंध्रप्रदेश और दक्षिण ओडिशा रे यह स्थलभाग अतिक्रम करिवो बोली जनापड़ी। यह प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली आंचलिक पानीपाक केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि। ओलीवुड कलाकारंको कलाकारनामा प्रथम स्त्री थाउथाउ द्वितीय विवाह कले ओलीवुड सह अभिनेता भाबे काम करथबा हरीश खंडलवाल। एनी महिला थाना रे अभियोग आणले प्रथम पत्नी शुभश्री खंडलवाल। 15 वर्ष तले उभयंक विवाह हेबा परे तांकर दुईटी पुआ मध्य रहिछि। तेबे हरीश अन्य जणंकु कोर्ट मैरिज करथिबा प्रमाण सह महिला थानार द्वारस्थ होइतिले शुभश्री। थानार अभियोग न सुनिबारु मानवाधिकार कमिशनरक द्वारस्थ होइछन्ते शुभश्री। आमर बाहागर रे बहुत गुड़े डिस्टर्बेंस चली, से बहुत गुड़े पिला सहित अफेयर्स थिला। एगुड़ा देखिके भी जेहेतु मोर 2टा पुआ गोटे 14 वर्ष गोटे 12 वर्ष पुओ, से मु सही सही रोली कि हाँ सब जिन ठीक हो कि गोटे आशे, किंतु किसी भी सेमती है कि जाना को पाइली से बाहर 2019 जोटा कि सहित जिते थर कथी पचारिसे जिनसा मत मना करजे ही कोर्ट्रु जा सर्टिफिकेट बाहर कला बेलू से अलरेडी 2019 बाहर सारे में मो महिला थाना एफआईआर देती, जोटा कि महिला थाना वाला बिल्कुल भी शुणु ना मो कथ, जोटा भी क्राइम गुड़ा लगी हिसाब से आरेस्ट कराया कथा, कहीं मो प्रथम स्त्री थाउ थाउ मु मत डिवोर्स देना से माने से केमी आउ गोटे स्त्री रखी से बाहर खुला बुलू इवेन मत मारी दबापाई भी मो पाख को आसला खबर कि जदि बेसी मुझे एमती कली कि मत मारी देबे से माने। कटक बड़ मेडिकल रे रोगी सेवा विपर्यस्त, रोगी और तांको संपर्कियों ऊपर अत्याचार करुछंती सिक्युरिटी गार्ड। मेडिकल रे डाक्टर और कर्मचारी मनमुखी कार्य को विरोध करुथबा समाजसेवी और सांबादिकों ऊपर पूर्व आक्रमण होइतिबा अभियोग आसछि। एभली कार्य को निंदा करिबा सह दृढ़ विरोध करिछि हिंदू सेना। हिंदू सेना पक्षरु एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अधीक्षकों को एक दावीपत्र दि जाए दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दावी कर किसी दिन हम आप भी देखुए किसी दिन हम बड़ मेडिकल मुख्य फाटक और पचगट फाटक सिक्यूरीटी गार्ड को नियोजित कर बहुमे सिक्यूरी गार्ड से रखुं जो रोगी हूँ बा रोगी संपर्क हूँ जो मैंने मेडिकल जार काम रोज कि चिकित्सापी जाऊँ से छाड़ना गाड़ी टी अटक रखुन चल। आज महासप्तमी बिल्व बरण पर धरावतरण करिछंती माँ जगत जननी। परंपरा अनुजाई माँ दुर्गा धरावतरण पर जीवन्यास चक्षुदान आजिठ माँ महासप्तमी पूजार्चना आरंभ हो, जहाँ राजधानी विभिन्न पूजा मंडप मानक तत्परता देखा मिली। पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष कटक दुर्गापूजा होता बेले सेतेटा उत्साह देखा मिलना, तेज मंडपे आज महासप्तमी नीति कांति अनुषित होगा बेले विभिन्न शक्तिपीठ से षोडश उपचार अनुजाई माँ महाष्टमी पूजार्चना चली देखा मिली। दशहरा अवसर में पुरीर जुव आर्टिस्ट विश्वजित नायक समस्त निजर निरा कलाकृति मध्यम दशहरा शुभेच्छा जनई। विश्वजित माँ दुर्गा मुखमंडल प्रतिकृति 275 आइसक्रीम काठी व्यवहार कर बनाई। आकर्षणीय कलाकृति पर विश्वजित 6 दिन समय लगी, तेज चलित बर्ष कोविड महामारी जो निराडंबर भाव कोविड कटक
पूजा अनुष्ठित होता बेले लोकमाने सरकारों नियम मानिबाकु विश्वजित अपील करिछन्ति। बादामबाड़ी छकरे नाइट कर्फ्यू समय लोकंकु निवेदन कले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। बादामबाड़ी ट्राफिक छकरे निजे अतिरिक्त डीसीपी प्रमोद रथ, एसीपी सुब्रह मुदुली और आईआईसी रश्मि रंजन महापात्र उपस्थित रही नाइट कर्फ्यू नियम मानिबाकु लोकंकु निवेदन कले। गतकालीठारु ट्विन सिटी रे लागू हला नाइट कर्फ्यू, राति 8टा रु सखाळ 5टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू लागू रहिबो। आसंता 20 तारीख पर्यंत एहा बलवत्तर रहिबो। छात्रींकु शिक्षकंक असदाचरण अभियोग, एभळी अभावनीय घटना घटिछि भद्रक जिला धामनगर थाना अधीन महांती साई हिंदू प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय शिक्षक शेख अब्दुल कलाम नामक शिक्षकों नारे आसी एभली संगीन अभियोग। परिवार लोके थाना अभियोग करिबा परे धामनगर पुलिस तदंत करुछि। ढेंकानाळ पुलिस को बड़ सफलता, एटीएम गाड़ी लुटेरा काबू कला सदर पुलिस। गतकाली आठगड़ एक टंका भर्ती एटीएम गाड़ी नरसिंहपुर अभिमुखे जाउथला। आंकुला निकटरे किछि दुर्बृत्त आसी ड्राइवरों मुंडरे बंदूक लगाए गनमैन को आक्रमण कर एटीएम गाड़ी को धरी ढेंकानाळ अभिमुखे चंपट मारिथिले। शंकरपुर पेट्रोल पंप निकटरे दुर्बृत्त माने टंका बाक्स को अन्य एक गाड़ी धरी एटीएम गाड़ी को बाटरे छाड़ी पळाइथिले। ढेंकानाळ सदर पुलिस दुर्बृत्त पिछा कर भोजदेईपुर गाँ निकटरे तीन जन दुर्बृत्त माड़ बसिथिला। अन्य जने फेरार हो जाइथिला। पुलिस सेमानक ठारु एक कोटी 5 लाख टंका जबत करबा सह बंदूक और अन्यान्य मारणास्त्र जबत करिछि। मोना सर डकायत पळकले सर अंगुलेश्वर मंदिर दूर दे क्रॉस करी सर दूर जाय पाइले डकायत पळै जिबा समय रे पुलिस हम सदर पुलिस तडिक धरिया भितरे सर तांको हड़बगड़ तीन जन को धरिक आसिले। सर पुलिस सांगे पसिक आम सर खोजाखोजी कर बंदूक पैसा पत्र सर मिलला। पुलिस आम साहय कलु आम भुवनेश्वर निकट भोजदेवपुर सर धरा पड़ते टोटल पाखापाखी जी कैश रिकवर जी कैश होता चोरी 1,29,00,000 पाखापाखी चोरी होता से 1,05,00,000 तीन जन पाखर रिकवर होकर चारोटी फायर आर्मस चारोटी पिस्तल रिकवर हो गोटी अभियुक्त भाग में जी कैशा पड़ता सी गोटे कैश बैग धरिक सी पल सक्षम होता धरवे ग्रामवासी मैंने आमको साय करते चेज करें से लोकटी को एबी आम गोटे टीम ताको धरियापाई तनाघना चलते वर्तमान साइंटिफिक टीम स्पॉट रे आसिकी विभिन्न साइंटिफिक दिगरु साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करिबारे लागिछंति। डिटेल आमे फर्दर इन्वेस्टिगेशन परे तार डिटेल तथ्य तथ्य जानपड़ महेंद्र कंपनी तरफ रु कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट BS4 लॉन्च हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे कंपनी रो हेड एस राजू अन्य अधिकारी माने योगदान करी एहाकु लॉन्च करिछंती। या बहुत इको फ्रेंडली एवं यहाँ व्यवहार करने द्वारा अधिक लाभ मिल पार बोली कंपनी पक्ष लॉन्च होगा। भारत में होगाक फिफा 17 वर्ष रु कम महिला फुटबॉल विश्वकप यार मास्कट रही इवा नामक एक एशियो सिंही एवं यह महिला शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाइब बोली कहुची। यासह विश्वर महिला अंतर्निहित शक्तिर यह विकास करने बालिका को प्रेरणा देव। 2020 यह भुवनेश्वर होगाक मात्र महामारी कोरोना पर बातिल होता। आगामी वर्ष अक्टोबर 11 रु अक्टोबर 30 मध्य सोहल्टी देश को नहीं खेल जनापड़ी। रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय अंतर्जातीय बालिका दिवस पालित। जिलापाल सरोज कुमार मिश्र मुख्य अतिथि भाव जोग देता बेले सम्मानित अतिथि भाव एसपी विवेकानंद शर्मा, पीडी डीआरडीए महेश्वर नायक प्रमुख सामिल होते। किभली समाज शिशु चलाण, शिशु बिक्री, बाल्य विवाह, किशोरों प्रति जौन हिंसा आदि बंद हो सेने आलोचना करा जाई छी। ए अवसर विभिन्न क्षेत्र में कृति किशोरी को पुरस्कृत मध्ये करा जाई छी। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम छक निकट में दुई युवकों संघबद्ध आक्रमण, पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर आक्रमण होता सूचना। आहत युवकों मध्य जनक नाम बबुल सामंतराय, अन्य जनक परिचय मिल पारिना। 15 अधिक युवक संघबद्ध भाव आक्रमण कर सूचना। बबुल बाइक को मध्य भांगी दुर्बृत्त। स्थानीय लोके आसवर घटनास्थल चंपट मारिथिले दुर्बृत्त। किछि दिन तले 4 नंबर खेल पड़िया निकट में बबुल को आक्रमण उद्यम होता। बाइक किणवाक घरे टंका नदेवारु युवकों आत्महत्या। भुवनेश्वर बालीपाटना थाना कुलंतीरा गाँव में घटी एभली अभावनीय घटना। मृतक दिव्य प्रसाद महांती किछि दिन तले मांक सुना अलंकार बिकी दामी मोबाइल किनिथिले।
ପୁଣି ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ। ବାପା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ମିଲର୍ସ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଇଗଲେ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମିଲର୍ସଙ୍କ ଚାପ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ଏ ରାଜ୍ୟର ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକୁ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବସ୍ତାର ପଇସା, ସୁତିନୀର ପଇସା ଯେଉଁ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଲର୍ସ ମାନେ ଲୁଟିକି ନେଇଗଲେ ଏଠି ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଥାନ୍ତେ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଳିତା ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର 7 ଜଣ କୁନି ଶିଶୁ ଓ ଅସହାୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉଇକ୍ ହାଇଗଲା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ରାଉରକେଲା ଗାନ୍ଧୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷେ ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କଲେଜ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହେଲେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁକି, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖାଇଲେ କହିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉଇକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖ, ତ ସେ ଦେଖାଇଲେ ତ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କହିଲି ପ୍ରତିଥର ଆସିବୁ କହିବେ ନା କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆସ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବସିବ, ତାପରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଓଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଓଜେଇରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରହିଛି, 326 ରାଙ୍କ ଅଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ସେଠି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଯାଇଛି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗତ ମାସରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗଲା ଉଇକ୍ରେ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି, ଆଉ ସେଠି ସେ କାମ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଅର୍ଜେନ୍ସି ଭାବିକି ମାନେ ପଠେଇଲି। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 80-90% କାମ ସରିଯାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ମୋତେ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଖପରପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଗୟାଧର ନାୟକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଧାମନଗର ବିଜେପି ଶହୀଦ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୟାଧରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ନ କଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରିଜ ଲୁଟ୍। ଚୁଜା ଗାଁରେ 3ଟି ମନ୍ଦିର ଓ କୁମ୍ଭି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟ୍। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଥାନାର ଏତଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇସେନ୍ସ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଇଏମ୍ଏଫ୍ ବିକୀକରଣ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଓଟି ଏହି ଜନହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଭାରତରେ 5G ବି ଆସିବ, ଏବଂ 5G ଆସିଲେ 5G ଯେହେତୁ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ତା'ର ରେଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ଲୋ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟାୱାର ଅଧିକା, ଆହୁରି ଟାୱାର, ଏବେ ଯେତିକି ଟାୱାର ଅଛି ଆହୁରି ଅଧିକା ଟାୱାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋଫିଆନରେ ଜାରି ରହିଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ନିହତ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇସ୍କର ଇ ତୋଏବା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦି ରେଜିଷ୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟରରୁ ଲାଗିଥିବା ରଜୌରୀର ଦୋହରାରେ
ଗଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ପୁଞ୍ଚରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କରିଥିବା ହମଲାରେ 5 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। खूब शीघ्र 100 कोटि डोज टीकादान लक्ष्य पूरण करिबाकु जाउछि भारत। आज सुधा 95 कोटि डोज टीकाकरण लक्ष्य हासिल हो सारी आ मात्र 5 कोटि डोज टीकादान पर यह पहुंचे 100 कोटि रे। ए विषय रे सूचना देछन्ति केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मालवीय। समस्त मागणा टीकादान जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी चलाइछन्ति ताहा बेस सफलता पाउछि। देशरे 73% रु अधिक लोक टीका नहीं सारी। द्वितीय डोज टीका मध्य लोक माने जहाँ टीकाकरण लक्ष्य को पूर्ण करिवो बोली कहिसेंति स्वास्थ्य मंत्री। मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए समग्र देश में एक मुहिम चलाई है, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन। देश की जनता भी इस नारे के साथ जुड़ गई है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज 95 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुके हैं। देश में 73% से अधिक लोगों को जो 18 ईयर से एवो के है उसको टीका लग चुका है। सेकंड डोज भी तेजी से लोग लगा रहे हैं और अगले नज़दीक के दिनों में 100 करोड़ टीका देश में लग जाएंगे। एक बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि होगी, हमारे लिए वो गौरव का विषय होगा। सोशल मीडिया रे भारतीय सेना रा एक ट्रेनिंग वीडियो वायरल हेबारे लागी छी, जेउठी अति कठिन ट्रेनिंग रे शामिल होइछंती सेना रा किछि जवान माने। जे कोनोसी परिस्थिति रो मुकाबला पई निजकु प्रस्तुत रखिबा पई चली छी अहरह ट्रेनिंग, जारा वीडियो सोशल मीडिया रे जोरदार शेयर करा जाउ छी। लोक माने सेना जवान को एभली कष्टसाध्य अभ्यास को सैल्यूट करना छथि। काश्मीर घाटी रे चलित ऋतुर प्रथम तुषारपात होईछि। ज्योतिला पास समेत काश्मीर उच्च पार्वत्यांचल रे सोमवार तुषारपात होईथिबा लक्ष्य करा जायछि। एतिसहित गुलमार्ग रो कांगादुरी कारनार साधना टॉप ओ कुपवार जेत गली मातिल्ले मध्य तुषारपात होईछि। उपत्यकार अन्यन्य भाग रे वर्षा होईछि। एहि समय रे अनंतनाग जिला रे थिबा पवित्र अमरनाथ गुंफा मंदिर रे तुषारपात होईथिबा खबर हस्तगत होईछि। देशर सर्वकनिष्ठ शहीद तथा स्वाधीनता संग्रामी बाजीरात को बलिदान दिवस पालन हो जाएछि। सामाजिक नायक संगठन पक्षर एही दिवस पालित हो जाएछि। एही अवसर रे बाजीरातंक स्मृति चारण करा जायतिला। बाजीरातंक बलिदान को मने पका जाउतला। छोटो बाजीरात को श्रद्धांजलि देला बळे या विरुद्ध रे संग्राम करिबा लडिबा आज समय रो आवश्यकता। एही कथा को शपथ नै कि जिबा पई आज श्रद्धांजलि सभा आयोजन कराई एवं आम आशा करूँ भारतवर्षर नुआ पीढ़ी भारतवर्षर युव छात्र ए आदर्श को बाजीराउत को आदर्श को पाठय करके भारत नुआ भारतवर्ष या समता भित्तिक भारतवर्ष या संग्राम कर लड़े। विश्व हाथधुआ दिवस उपलक्षे आयोजित होउछि दस्तखत अभियान। वाटर एड इंडिया पक्षरु भद्रक जिलार विभिन्न स्थान रे सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित होउछि। भद्रक स्वयंशासित महाविद्यालय परिसर रे हात धुआर उपयोगिता को नहीं दस्तखत अभियान आयोजित होउछि। विशुद्ध जल उपयुक्त शौचालय और स्वच्छता को नहीं वाटर एड सचेतन करुछि। कटक मुंडुली रे हाथी उद्धार बेले नदी रे जाई ओड्राफ कर्मचारी सीताराम मुर्मू को मृत्यु घटना। मयूरभंज ठाकुर मुंडा उकेपाल गांव में शोभायात्रा सह सीताराम को अस्थि विसर्जन करा जायछि। आदिवासी सांतल संप्रदायर पारंपरिक वाद्य बजाई शहीद सीताराम को विसर्जन करा जायछि। मृतकों परिवार को तुरंत सरकारी सहायता प्रदान पई दाबी होईछि। केन्दुझर घसीपुरा थाना देवगां निकटरे ढिंकियारे सड़क दुर्घटना। बोलेरो धक्कारे जणे बाइकारोही मृत, अन्य जणे गुरुतर। मृतक जणक पटिलो गांवर विजय माझी, गुरुतर बोधिया होंकु साइकुळ हसगोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करा जायछि। जाजपुर दानागदी ब्लॉक त्रिजंगा खेलपड़िया रे बीजेपी रो मिश्रण पर्व। एथिरे 4टी पंचायत रो शताधिक बीजेडी कर्मी और सरपंच प्रार्थी बीजेपी रे योगदान करछन्ती।
କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କର୍ମୀ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା, ତିନି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ତିନି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡେଭିଡ୍ କାର୍ଡ, ଜୋସୁଆ ଡି ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଇଡୋ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇମେନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ପୁରସ୍କାରର ଅଧା ପାଇବେ ଡେଭିଡ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅଧା ଦୁଇଜଣ ପାଇବେ। ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ କଟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖ ସାହୁଜୀ ଜୁଏଲେରୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଫର ବର୍ଷା, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ପଥର ସହ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର। ତେବେ ଏହି ଅଫର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସାହୁଜୀ ଜୁଏଲେରୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦଶହରା ଦିନ କୁପନ ସୁବିଧା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଜେତାଙ୍କୁ ହୁଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଜେତାଙ୍କୁ ରେଫ୍ରିଜିରେଟର ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଜେତାଙ୍କୁ ଟିଭି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାହୁଜୀ ଜୁଏଲେରୀ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମିଳୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଦେଉଛୁ। ତଳେ ସେମାନେ ଗହଣା କିଣିଲେ, ରୂପା କିଣିଲେ, ଯାହା ସୁନା କିଣିଲେ, ସବୁ କିଣିଲେ, ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଲେ, ଲେହେଙ୍ଗା ପାଇଲେ, ତ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଛତିଶା ନିଯୋଜ ବୈଠକରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। 15ରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତେବେ 18 ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରିଭାଇଜ୍ ଏସ୍ଓପି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜାରି ହୋଇଯିବ। ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି, ଏକାଦଶୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐଶାନ କୋଣରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେବାୟତ ଓ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଧିଆ କୋକେଇଦାରେ ପୋଲିସକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୋଲିସର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ, ଟ୍ୟୁସନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଅପହରଣ କରି ଜେଲ ଗଲେ ରସିକିଆ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା, ଅପହୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ତାରିଣୀ ଛକ ନିକଟରୁ ତିନୋଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 19 ଗୋରୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।